नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube वीडियो में एक बार फिर से। मैं सुनील लालाखंडी। आज जो सबसे बड़ी घटना पिछले 3-4 दिनों में सामने आई है वो है वाटरगेट के तर्ज पर वाजेगेट। बॉम्बे में जो कुछ मीडिया है, पत्रकार हैं, उसे वाजेगेट का नाम दे रहे हैं। इसमें आज अंतिम घड़ी के रूप में या एक और घड़ी के रूप में शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर में बताऊँगा, उससे पहले मैं बता दूँ कि अब तक इस में कौन कौन फंस चुके हैं। ये घटना शुरू हुई थी एंटालिया जो अनिल मुकेश अंबानी की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके बाहर एक स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 12 छड़ें मिली थी और उसको पकड़ लिया गया था। इसके बाद जो अगले घटनाएं हुई उसमें ये पाया गया कि जो सचिन वाजे हैं, मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हालांकि उनका रैंक केवल असिस्टेंट इंस्पेक्टर ही है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ही है, उनको गिरफ्तार किया गया NIA ने फर्दर पूछताछ के बाद। और अनिल वाजे जैसे ही गिरफ्तार हुए उसके बाद जो महाराष्ट्र के गृहमंत्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि परमवीर सिंह ने बहुत ही गलत काम कहा है। इसको बाद में हालांकि वो डिफेंड नहीं कर पाए और उन्होंने परमवीर सिंह को शंट आउट कर दिया, मेन अपने महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल DCP जनरल के पोस्ट से हटाकर उन्हें होमगार्ड का मुखिया बना दिया, जो कि एक काफ़ी निचली और इनएक्टिव पोस्ट होती है, यानी कि एक पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह थी। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में देखा जाए तो 3 पार्टियां हैं। एक अगर चेस का गेम खेला जाए तो केस में 2 खिलाड़ी होते हैं, इस चेस में 3 खिलाड़ी हैं। एक है शिवसेना, दूसरी है कांग्रेस और तीसरी है NCP। तो जो सचिन वाजे हैं उनका संबंध NCP से था, तो जब वो फंसे इसमें तो शिवसेना एक तरह से उनके डिफेंस में आ गई और उनको एक अच्छा ऑफिसर बताने लगी और ये कहा कि ये तो NIA ने, केंद्र ने ज़बरदस्ती इंटरफेयर करके ये केस अपने हाथ में लिया और सचिन वाजे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो मनसुख जो थे, जिनकी कार स्कॉर्पियो थी और जिनके अनुसार चोरी चली गई थी, और जो बात की सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में उसी स्कॉर्पियो में सचिन वाजे के साथ घूमते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने कहीं गाड़ी ये पार्क कर दी थी और सचिन वाजे को उसकी चाबियां हैंड ओवर की थी और उसके बाद में उन्होंने उसकी चोरी की रिपोर्ट भी लिखा दी थी। तो उनकी हत्या हो गई और जांच एक्चुअली उनकी हत्या के सिलसिले में हुई थी, जिसमें फिर सचिन वाजे पकड़े गए। सचिन वाजे हालांकि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे, लेकिन उनको काफ़ी महत्वपूर्ण केसेस दिए जाते थे क्योंकि वो शिवसेना के काफ़ी नज़दीक आदमी थे। अब जब इसमें ये फंसने लगे तो शिवसेना ने, हालांकि उनके मुखपत्र में और जो उनके संजय राउत हैं मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने कुछ अनशन बयान देने चालू किए जिसमें उन्होंने बताया कि सचिन वाजे तो बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर थे और वो इनको किसी तरह केंद्र सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। अब आया कांग्रेस का खेल। कांग्रेस परमवीर सिंह है वो शायद कांग्रेस समर्थित हैं और वो कांग्रेस के ज़माने में ही बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हुए थे और उनको तेज़ी से प्रमोशंस भी मिले थे। उन्होंने ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का रिमांड लिया था और शायद उनसे रिमांड में उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की थी, तो वो कांग्रेस के ऊपर चढ़े हुए थे, तो उनको कांग्रेस के खिलाड़ी हुए। और तीसरे खिलाड़ी इसमें आ गए गृहमंत्री जो कि NCP के हैं। अब जो परमवीर सिंह जी हैं वो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने, गृहमंत्री ने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए प्रतिमा की वसूली करने का मुंबई से टारगेट रखा था, जिसका वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वो 40-45 करोड़ कर सकते हैं। तो ये वसूली का जो पुलिस अफसर ने आरोप लगाए कांग्रेस की तरफ से NCP के था, तो अब NCP मुश्किल में आ गई। तो NCP इससे पहले उन्होंने NCP मुश्किल में आ गई, तो यानी अटैक अब NCP पे हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 100 करोड़ की वसूली कोई बड़ा फिगर नहीं है और ये भारतीय वर्तमान व्यवस्था में कोई अनहोनी भी नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह इस तरह की वसूली करती है जो कि सत्ता में आती है, और पुलिस उसका ही जरिया होता है, दूसरे प्रशासनिक तंत्र भी होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। हालाँकि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर आपको यदि मैं कहूँ तो आप इसमें मानने में कोई आपको झिझक नहीं होगी। इसीलिए कल मैंने अपने फेसबुक पेज पे लिखा था कि 100 करोड़ रुपए की बात करना शायद एक भारत के लिए अपमानजनक बात है। अब
इसके बाद मैंने आज सुबह एक अपने मित्र से बात कर रहा था, तो मैं उसमें ये कह रहा था कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि ये पत्र कि मतलब पत्र की ही वेलेस वेलोस की सत्यता पर ही किसी ने डाउट नहीं किया था, शक नहीं किया था, लेकिन वो आज अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने, क्योंकि अब एनसीपी को डिफेंड करना था अपने आप को, क्योंकि अब तीसरी पार्टी इसमें एनसीपी है, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। सबसे पहले तो जो परमबीर सिंह ने आरोप लगाया, और दूसरी बात है कि जो चिट्ठी लिखी है उस पर परमबीर सिंह के सिग्नेचर ही नहीं है, तो इसको कैसे माना जा सकता है कि सत्य है। तो इस तरह से उन्होंने इसको बहुत डाउन प्ले करने की कोशिश की। हालांकि जो शरद पवार है वो भी दबाव में तो है, क्योंकि उन्होंने उनसे कल जो गृह मंत्री हैं वो मिलने गए थे दिल्ली में, और आज उन्होंने अपने दो ऐसे पैसेदारों को जो कि मैं अशोक पवार और जयंत पाटिल को दिल्ली में बुलाया था, और उसके बाद उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया था कि ये तो चिट्ठी ही मतलब कि सत्यता के पर ही उन्होंने सवाल उठा दिए थे, तो वही बात खत्म हो गई उनके हिसाब से, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब लोगों का सबसे पहले तो लोग ये सोच रहे थे कि इससे सरकार गिरेगी, सरकार कभी नहीं गिरती है, क्योंकि इसमें तीनों पार्टियां हैं, और जो इस तरह की जो वसूली होती है इसमें पैसा बराबर उनके योग्यता अनुसार एक सम्मान निधि के रूप में सारे विधायकों को मिलता रहता है, इसलिए कोई विधायक टूटेगा नहीं। और बीजेपी चाहे कितना ही करे, बीजेपी के पास एक ही ऑप्शन इस सरकार को गिराने का है, वो आर्टिकल 156 लगा है, जो कि वो नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको राज्यसभा में भी पास करवाना होता है, और वो इस तरह से लगा के इस सरकार को, उद्धव ठाकरे को शहीद नहीं बनाना चाहेगी। अब इसमें दो तो खाक पार्टियां हैं, एनसीपी और कांग्रेस, जिन्होंने अपने बच्चे पत्ते बड़े ही खूबसूरती के साथ खेले। शिवसेना के मुख्यमंत्री थोड़ा इसमें अनुभवहीन रहे, और वो शायद अभी इसमें सबसे दबाव उन पे आएगा, और उनको ही किसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, वो अपने गृह मंत्री का त्याग कर देगी, और उसकी जगह हालांकि अपने पास ही रखेगी, जयंत पाटिल को गृह मंत्री बनवा देगी। जयंत पाटिल वही हैं जो कि 9/11 के बाद आरआर राणे की जगह पे गृह मंत्री बने थे, तो उनका और काफ़ी शरद पवार के करीबी है। तो इस तरह शरद पवार की एनसीपी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने हालांकि उनका बहुत बड़ा स्टेक इस गवर्नमेंट में नहीं हो, तीसरी पार्टी है, उसके पास कोई खास महत्वपूर्ण मंत्रालय भी नहीं है, तो वो परमबीर सिंह के थ्रू ये अपना पासा फेंकने की कोशिश करेगी और कंफ्यूज करने की। हो सकता है उसमें से कुछ लूट में उनको कम पैसा मिल रहा हो, तो इसके जरिए हो सकता है उनका हिस्सा इससे बढ़ जाए। कांग्रेस को अभी पैसे की बहुत अधिक ज़रूरत है, कहीं एक बार ऐसा कि उनके किसी प्रवक्ता ने भी कहा था कि कांग्रेस इतना इफेक्टिवली चुनाव नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। तो ये तो कांग्रेस की बात हुई, लेकिन इन सब में कांग्रेस इतनी इन्हें परमबीर सिंह द्वारा ये आरोप क्यों लगवाया है? इसका सीधा सीधा कारण है कि जब मुकेश अंबानी पर यह हमला हुआ था या साजिश हुई थी मुकेश अंबानी के खिलाफ, तो दो तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही थी। एक तो शंका ये थी कि ये एक्सट्रोशन का मामला है, यानी वसूली का मामला है, अशोक यानी मुकेश अंबानी से 5,000 करोड़ शरद पवार मांग रहे हैं, क्योंकि वो शरद पवार देश में यूपीए के चेयरपर्सन बनना चाहते हैं, और चेयरपर्सन बन के 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की पकड़ बहुत कमज़ोर हो रही है, और सोनिया गांधी पर भी ये दबाव है कि वो यूपीए अध्यक्ष पद छोड़े। वैसे दबाव सोनिया गांधी, इसके अतिरिक्त सोनिया गांधी की का स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी अभी उनका साथ नहीं दे रहा है, और वो कितनी तरह और समय तक पॉलिटिक्स में एक्टिव रह सकेगी, ये एक अपने आप में सवाल है। और कांग्रेस में कोई दूसरा, क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला ही अभी तक कोई दूसरा नहीं मिल पा रहा है, तो यूपीए के नेतृत्व के लिए उनको नेता कहाँ से मिलेगा? हो सकता है घूम फिर के मनमोहन सिंह जी के पास आए। खैर, तो इस पहला तो आरोप था ये वसूली का, तो इसमें वसूली में संजय वाजे पकड़े गए, और उनको फिर कांग्रेस की तरफ से एक गुगली फेंकी गई कि 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए गृह मंत्री देशमुख, अनिल देशमुख शायद उनका नाम है, उन्होंने एक सचिन वाजे पर दबाव डाला। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण सीधा साधा हो सकता है कि दूसरी जो साजिश अनिल अंबानी को घबराने या अनिल अंबानी पर हमला करने की थी, वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा,
एक एंगल से देखा जा रहा है वो भी हो सकता है, जिसमें चाइना का ह्यूआई जो कंपनी है 5G में जो दुनिया भर में अपना पैर पसारना चाहती है, अमेरिका में उसकी एंट्री रोक दी है और भारत में भी उसकी एंट्री के सामने सबसे बड़ा जो रास्ता रोकने का काम कर रही है वो रिलायंस अंबानी की 5G टेक्नोलॉजी है स्वदेश में डेवलप की हुई। तो उस अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश है उसको दबाने के लिए ये एक घुगली फेंकी गई है, एक डमी फेंका गया परमवीर सिंह की तरफ से 100 करोड़ की वसूली का, ये मेरा अनुमान है। अब परमवीर सिंह चूंकि कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से चाल चल रहे हैं, या कांग्रेस की चाल थी वो 100 करोड़ की घुगली फेंकना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जिसके चाइना से अच्छे संबंध हैं या दुबई वगैरह में अच्छे संबंध हैं उनकी तरफ से ये एक पासा फेंका गया ताकि ये लोग भूल जाएं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के एंगल को दबाने के लिए ये 100 करोड़ की घुगली फेंकी गई है, इसमें कोई वो दम नहीं है इस बात में। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये होगा कि जो अनिल देशमुख है उनको जयंत पाटिल से बदल दिया जाएगा, कोई MLA इधर से उधर नहीं खिसकेगा, क्योंकि एक MLA को मालूम है कि न तो उनको जो साधारण MLA उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हाँ उनका हिस्सा उनको बराबर मिलता रहेगा, ऐसा भारतीय राजनीति की एक प्रणाली है। तो आगे क्या होगा पता नहीं, कौन कौन पकड़ा जाएगा, सचिन वाजे कब तक जेल में रहेंगे, या परमवीर सिंह के साथ क्या होगा, या जयंत पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, या किसी तरह कोई और दूसरे तरह की राजनीतिक सौदेबाजी होगी जिसमें ये सरकार इस्तीफा दे दे। एक पहलू ये भी है कि हो सकता है ये सरकार इस्तीफा दे दे, पर अभी फिलहाल BJP का जो हाईकमांड है वो बिजी है चुनाव में, या उस बहाने वो इसमें बात नहीं करेगा और इसमें हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से ये 100 करोड़ की घुगली जिसमें कोई भी दम नहीं है और इसमें कोई भी प्रूव नहीं किया जा सकता है, ये केवल इसलिए फेंकी गई कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जो एंगल था, अब चूंकि पकड़े गई जिलेटिन की छड़ें, तो जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जो एंगल था उसको कांग्रेस पूरा पूरा दबाना चाहती थी, और कांग्रेस ने परमवीर सिंह के द्वारा 100 करोड़ की घुगली फेंकी। तो ये मेरा स्टेक है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यदि मेरे विचार से सहमत हो और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, और शाम को शायद हम फिर एक बार बात करेंगे बंगाल के चुनाव के बारे में, जो कि अब वोटिंग में करीब 10 दिन बाकी रहे, 6 या 7, एक हफ्ता वोटिंग में बाकी रहा है, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी कई सभाएं कर रहे हैं और उन सभाओं में इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है कि ममता दीदी की मुश्किलें, ममता दीदी की घबराहट बढ़ती जा रही है। ये भी हमेशा कहा जाता है कि फलां की मुश्किलें बड़ी, महाराष्ट्र सरकार संकट में, शरद पवार, एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं भूल गया था आपको कहना वो था कि शरद पवार ने वो मीटिंग दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में क्यों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका सीधा सीधा इसका यही कारण है कि वो भी कांग्रेस के साथ शायद अंतर्राष्ट्रीय साजिश के मामले में शामिल रहे होंगे, अन्यथा वो बम्बई में भी ये कर सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगर आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।